हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, आज हमने बनाई है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई लिया, उसमें सरसों का तेल डाला है। अब हमने इसमें डाल दिया है जीरा, मेथी और सौंफ और कलूंजी, और ये थोड़े से खड़े मसाले डालती हैं, तेज पत्ता का, दालचीनी। इसमें वो डाल रहे हैं जो हम अचार में डालते हैं ना, सौंफ, काली वो सौंफ, कलूंजी और मेथी। अब डाल दिए इसमें हरी मिर्च कट करके छोटे छोटे। ये मेथी है, तो ये सौंफ मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसको मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। अब इसमें कोला डाल दिया है काट के, इसको कोला कद्दू, हमारे यहाँ कोला ही बोला जाता है, तो कोला कद्दू या कुछ भी, तो जो आप बोलते हो वो डाल दिया है, कोला डाल दिया है इसमें। फिर इसको थोड़ी देर हम चलाते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, इसमें कच्चा आम छोटा सा काट के डाला है। कच्ची आम ही होती है, वो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए।
अब डाल रहे हैं हम इसमें मसाले, ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अब इसको कर दिया है मिक्स। अब इसको लगभग 6-7 मिनट के आसपास पकने देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसमें जरा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। आफ्टर 6-7 मिनट के बाद इसको देखेंगे तो ये पक चुकी है सब्जी। ये देखिए बनकर बिल्कुल रेडी है। और तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसको हम पूरी के साथ, पराठे के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं।